জন্য সভা করেছে এবং 6400 কোটি টাকার প্রজেক্ট প্রদান করেছে। সহায়তা 6400। देखिए देश की प्रधानमंत्री जो काम जो कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन मान लीजिए कहीं पंचायत को करना है या कोई जिला पंचायत को करनी है या कोई रेलवे मंत्री को या कोई गवर्नर को वगैरह वगैरह, हर जगह प्रधानमंत्री जी को दिखाई देते हैं। सारे हिंदुस्तान में जितने भी काम हो रहे हैं हर जगह उद्घाटन के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी अपना दौर जारी रखे हैं। हम तो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में विकास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज की बीजेपी की सरकार जो दावा किए थे, जो हमें हिंदुस्तान के आम लोगों को जो कमिटमेंट किए थे उन्होंने कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की और राज्य की बहाल होगी जल्द से बांग्ला। आज भी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी की सूरत में उनको दिखा जाते हैं। तो इसलिए वादा तो बहुत किए गए थे, पहले वादा यह था कि जम्मू कश्मीर में हम जल्द से जल्द राज्य की वापसी मतलब राज्य की दर्जा दिया जाएगी और उसके साथ साथ बाकी विकास के काम भी किए जाएंगे। लेकिन पता नहीं कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगी, डिलिमिटेशन कभी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वोट तो हुए हैं, तरह तरह की डिलिमिटेशन की बदौलत हुआ, चुनाव करने की पहले ही सारे गणित को बदलने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बीजेपी और मोदी जी डरे हुए हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मुद्दे पे, क्योंकि उनको यह शंका होते हैं कि जितने भी हम विकास करें, जो भी हम वादा करें, जम्मू कश्मीर की आम लोग बीजेपी और मोदी को यकीन नहीं करते, इसलिए चुनाव से मोदी सरकार बाज रही है, चुनाव नहीं कराना चाहती है। बहुत सारे मुद्दे शर्मिंदा के मुद्दे हैं, संदेशकारी के मुद्दे बिल्कुल एक बड़ा निंदाजनक है और हम सबको सर झुका देते हैं, लेकिन सिर्फ संदेशकारी नहीं, हमारा देश में रोजाना 96 महिलाओं को बलात्कार होते हैं। मोदी जी को मैं ये सलाह दूंगा कि आप क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो की जो आंकड़े दिए जाते हैं आंकड़े को आप थोड़ा अध्ययन करें और ये पता कर ले कि हिंदुस्तान में और कहाँ कहाँ महिला पे अत्याचार बलात्कार ये हो रहे हैं रोजाना, चाहे मणिपुर हो चाहे महाराष्ट्र। मणिपुर में क्या नज़ारा दिखा था हमने, सारेआम नंगा करके हमारे घर के महिलाओं को घुमाए जाते हैं, यौन शोषण किए जाते हैं, और मोदी जी इतने महीने बाद भी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई और मणिपुर के मुद्दे पे एक लफ्ज उनकी जुबान से नहीं निकले। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की सबसे बड़ा ये खूबियाँ है, जहाँ उनको पुसाता वो उन्हीं से बात करते, उनका ही बात करते, वो हाथरस की बात नहीं करते, उनाव की बात नहीं करते, मणिपुर की बात नहीं करते, लेकिन संदेश काल की बात करेंगे क्योंकि वो पूछाएगा। बस बोलो तो बोलो। निर्वाचन आगे सीए बोलते अमित शाह, तो मैं आगे ही बोले 5 बजे आगे सीए हो गए थे, जो मोदी पश्चिमबंगे इलो तक बोलो जो अपनाराई बोलें जो सीए नहीं बोलें वो अमित शाह जन रखा है, ওটা অমিত শাহ বলবে। দেখুন আমার কথা মিলেছে কি না, সেদিন বলেছিলাম এ কথা অমিত শাহ বলবে, আজ দেখুন অমিত শাহ বলছে, আমি যা ফোরকাস্ট করেছিলাম মিলে গেছে। আমরা বাংলাকে আবার সোনার বাংলা বানাতে চাই, বাংলার জনতাকে বলছি আমাদের সমর্থন করুন, বিজেপি টার্গেট 25টা সিট বলছেন। 25 কেন, 25,000 নেই আমাদের কি করার আছে ভাই, সোনার ভারত তো বানা কাকে,
যেখানে যেখানে ক্ষমতা দিয়েছে মানুষ সেই জায়গাটাকে তো সোনার বানায়। সারা ভারতবর্ষের বেকারদের তো চাকরি দিই, সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের তো রোজগার ডবল করুক, যেগুলো যেগুলো কথা দিয়েছিল সেগুলো তো করুক। সোনার বাংলা হবে কি রূপোর বাংলা হবে কি হীরের বাংলা হবে তো পরের কথা, আগে দেশটা যেখানে আছে সেই দেশটাকে দেশ হিসাবে রক্ষা করুক তাহলেই হবে, তারপরে সোনার উপর হীরের বাংলা পরে বানানো হবে। আর বলতে পারছি এখন তো তৃণমূল রিজিনাল পার্টি তো বটেই, তার তো জাতীয় পার্টির মর্যাদা সে হারিয়েছে, স্বাভাবিক হয়ে রিজিনাল পার্টি তো বটেই। তবে যারা যোগ দিচ্ছে তারা কার যোগ দেওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করছে ভবিষ্যতের জন্য সেটাও ভাবতে হবে। হঠাৎ করে নতুন আর পুরাতনের যে লড়াই শুরু হয়েছিল বাংলায়, তাতে যারা পুরাতনদের বিরুদ্ধে, সেই লড়াইয়ের একজন সৈনিক ছিলেন তাপস রায়, ফলে যে নতুনদের হয়ে আন্দোলন করছিলেন তৃণমূল দলের মধ্যে, সেই নতুনদের আবার বিজেপিতে যাওয়ার প্রবণতার মধ্যে দিয়ে আমি একটা জিনিস ভাবছি যে আগামী দিনে ভাইপো তার নিজের রাস্তা পরিষ্কার করছে না তো বিজেপিতে যাওয়ার জন্য, এটা আমার আশঙ্কা। কারণ নতুনত্বের নতুনদের লড়াইয়ের যারা নায়ক, নতুনদের অধিকার পাইয়ে দেওয়া যারা নায়ক, তারা যদি বিজেপিতে যায় তাহলে যার প্রেরণায় পুরনোদের বিরুদ্ধে লড়ে নতুনরা জায়গা করতে চেয়েছিল সেই প্রেরণাকারী তিনি তৃণমূল যাওয়ার, তৃণমূল থেকে তিনি বিজেপিতে যাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করছেন কিনা এ প্রশ্ন উঠবে।